प्रोग्राम रन करना है। हाँ पहले जो मैंने चेंजिंग कराई है वो भी आपने सेव नहीं किया, मुझे लगता बंद कर दिया था हमारे को। जी मैम, और जो ग्रुप रह गया ग्रुप नंबर 10, प्रोग्रामिंग के अंदर तमाम नंबर्स को ऐड करके यानी कि रन करते हैं उसको, पुट करके फिर उसको स्पेसिफाई करके चेक किया करें। और वो वापस प्रोग्रामिंग पे जाओ, प्रोग्रामिंग ओपन करो। तो 0 वाला मसला तो अपना सॉल्व कर लो, फिर बाद में बाकी को दिखाना। ओपन है आपका प्रोग्राम, जी मैम रन करो। जीरो ही एंटर करो अभी भी आप अपना, जीरो वाला पहले मसला सॉल्व करो फिर अगले प्रोग्राम में। डन, अब आ गया था नंबर इज नॉट प्राइम। यस मैम, हो गया क्या मिस्टेक की थी? पी आपने वन दिया हुआ था, वो एंटर अंदर भी वो वन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके डायरेक्टली आगे चला रहा था, दरमियान वाली स्टेटमेंट को रीड ही नहीं कर रहा। ठीक है, यस मैम। चलो अब फैसल जी नेक्स्ट मैम, प्रोग्राम, इसी से नेक्स्ट वाला प्रोग्राम फाइनल करो। एक मिनट मरगूब, आप स्क्रीन शेयर करें ना, 15 पे वापस जाओ, 15 पे ऊपर चेंजिंग करो, यहाँ पे ये कटिंग करो यहाँ से इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो। जी मैम, 16 करना मैम। हमारे पास जो प्रोग्राम का राइट अ प्रोग्राम दैट कंटिन्यूअसली इनपुट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंटर्स अ जीरो टू शो दैट ही हैज नो मोर वैल्यूज टू एंटर द प्रोग्राम शुड फाइनली डिस्प्ले द सेकंड लार्जेस्ट नंबर एंटर। मैम हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना कि जिसमें जो यूजर है हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को लिखे तो वो कंटिन्यूसली हमारे पास आ जाए, तो जब वो यूजर जीरो इंटर करे तो उसके बाद कोई और वैल्यू शो ना, और आखिर पे तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो वो इंटर हो जाए। तो मैं जो हमारा प्रोग्राम है वो उसी तरफ स्टार्ट करते हैं कि इंक्लूड IFT में हमने की और उसके बाद हमने कंसोल इनपुट आउटपुट दिया वाइड में दिया, तो हमने इस समय ठीक है नंबर फर्स्ट और सेकंड स्क्रीन उसकी। तो मैं जैसा क्वेश्चन में फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड जो नंबर है वो हमारे पास जीरो है, तो हमने इस पर डू कंडीशन में ये है कि अगर नंबर फर्स्ट जो है वो नंबर जो है ग्रेटर देन फर्स्ट होगा तो जो फर्स्ट है वो नंबर इस पे से शो हो जाएगा। आपने डू लूप क्यों यूज की है यहाँ पर? फैसल आपने यहाँ पे डू कंडीशन के साथ मैं क्योंकि हमने इस पे जो टीचर मैं उस से टीचर हमारे पास एक वो एक फैसल आपकी आवाज बहुत कट रही है, पढ़ाने से पहले मरगूब की कट रही थी। तो मैं उसके लिए हमने मैं एक मिनट लाइट ऑफ सिग्नल नहीं आ रहे, एक मिनट अली रजा, अली रजा ने क्लास ज्वाइन की है। अली की लाइट नहीं आई अभी तक।
नो मैम अभी नहीं होगा। चलो मेरे को आप प्रेजेंट करो, प्रोफेसर की आवाज भी नहीं आ रही। जब आपकी खत्म हो जाएगी फिर प्रोफेसर की बारी आ जाएगी। ठीक है ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं। फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम डू डू व्हाइल लूप लगाते हैं। डू से हम शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं इफ स्टेटमेंट से, नंबर ग्रेटर देन फर्स्ट। इसके बाद हम स्टेटमेंट लगाते हैं सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट एंड मैं आवाज आ रही है नंबर। कैसे आ रही है आवाज? फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर। इसके बाद हम ये पूरी स्टेट कंडीशन को हम बंद करते हैं। उसके बाद हम एल्स में आते हैं। एल्स इफ यहां पर जो आपने कंडीशन दी है इफ नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट तो फिर हम अंदर मूव करेंगे। अगर नंबर ग्रेटर देन होगा फर्स्ट से तो फिर सेकंड वाला जो नंबर है वो फर्स्ट वाला बन जाएगा और जो फर्स्ट वाला है वो जो नंबर दिया होगा हमने वो नंबर बन जाएगा। यस मैम ठीक है चलो नेक्स्ट पे। उसके बाद हम एल्स एल्स इफ पे जाते हैं। नंबर इज इक्वल टू सेकंड जिसमें सेकंड वाला जो नंबर है वो नंबर बन जाएगा। ग्रेटर होगा होगा तो फिर वो सेकंड वाला जो है वो नंबर बन जाएगा। ठीक है आगे। उसके बाद हम आउटपुट वैल्यू देते हैं एंटर ए नंबर फ्रॉम 0 टू एग्जिट, यानी कि हम 0 से एग्जिट कोई भी वैल्यू देंगे। इसके लिए हम इनपुट देंगे NUM नंबर। उसके बाद हम व्हाइल के साथ ये डू व्हाइल लूप जो सारी खत्म कर देंगे। नंबर इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 नहीं है स्लैश इज इक्वल टू 0 नंबर नॉट इक्वल टू 0 ये नॉट के लिए साइन यूज होता है। ओके मैम। उसके बाद हम आउटपुट वैल्यू देते हैं सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट नंबर। आउटपुट आ जाएगी आपके पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर। ये आउटपुट हमने देनी नहीं है, ये लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास स्क्रीन पे और फिर सामने जो सेकंड नंबर आपका बना होगा वो यहां पे रिजल्ट जो है उसका डिस्प्ले होगा। वो इज रिजल्ट पर फिर गेट करके के बाद हम ये ऑन कर चलो रन कर दो। मैं आवाज क्लियर वैसे ठीक है लेकिन अभी फेरो अभी बुक को कंप्लीट कर लिया उसने मेरे को कुछ रन करो। यस मैम एंटर अ नंबर 012 कोई भी नंबर एंटर करो 0 करो जरा। फर्स्ट नंबर क्या था? फर्स्ट नंबर कोई नहीं था। बैक चलो वापस दोबारा रन करो। आपने तीनों नंबर को 0 लेट किया हुआ था ऊपर। आपको और नंबर एंटर कर दो 5 कर दो। अब नेक्स्ट नंबर कोई भी एंटर कर दो और एंटर करो। कब तक एंटर करोगे? जब तक 0 नहीं आ जाता तो ये तब 0 से ये होगा कि ये जो जितने भी होंगे इनमें से ये प्रेडिक्ट करेगा कि सेकंड लार्जेस्ट कौन है। चलो 0 एंटर करो। सेकंड लार्जेस्ट नंबर 56, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर जो था यहाँ पर वो 89 था और सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है वो 56 है। ठीक है और अगर हमने यही प्रोग्राम जो है वो लेस देन के लिए करना हो तो सेकंड लेस देन नंबर है तो जो आप जितने भी नंबर एंटर करोगे उसमें इस वक्त जो आपने एंटर किया उसमें सेकंड मिनिमम जो नंबर है स्मॉलेस्ट वो 56। चलें बैक करें प्रोग्राम में चलें। फैसल अगर आपकी वॉइस क्लियर हो गई आपके नेट का इशू तो प्रोग्राम नंबर 19 एक्सप्लेन करो।
जी मैम, मैं प्रोग्राम नंबर 19 है हमारे पास का, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड स्ट्रेस सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज यूजिंग फॉर लूप, वेयर द सिंबल रिप्रेजेंट्स द फैक्टोरियल। मैम जैसे पहला पीछे भी हम ये फैक्टोरियल वाला एक करके गए हैं, वो सिंपल था, ये मैम सीरीज में हमने इसको यूज किया, फिर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, तो ये कॉमन मैम यहाँ पे फैक्टोरियल हमने सीरीज कैलकुलेट को, किए थे, इस यहाँ सीरीज को पे सम ऑफ सीरीज आपने कैलकुलेट करनी है फैक्टोरियल। जी। तो मैम पहले हमने उसी तरह इंक्लूड आइसक्रीम किया, कोनियो किया और वाइड मैम किया, एंटीजर में हमने आई और जे रखे। इस पे लॉन्ग एफ इसलिए रखा मैम फैक्टोरियल, क्योंकि हमने ये एक सीरीज लॉन्ग इसलिए यूज किया कि हमने सम कर जो करना था वो सीरीज के अंदर करना है। तो हमारे पास जो हमने इसमें सम रखा उसको हमने इज इक्वल टू 0 रख लिया। तो क्लियर स्क्रीन करने के बाद आई को 1 रख लिया, और इसमें हमने फर्स्ट कंडीशन जो मैम यूज की वो एफ इज इक्वल टू 1 रखी, यानी कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 रखा। तो हमारे पास जो फॉर में कंडीशन आ रही के जे इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 आ गए। तो मैम आगे जाकर हमने इसका जब सम किया, तो सम प्लस जब मैम कोई नंबर हमारा आ जाएगा मैम, इसका मतलब ये है कि अब देखे ना सम प्लस एफ मतलब, अब जब हमारा कोई नंबर हो समझ ले 1 आ गया, 2 आ गया, 3, उसके बाद साथ साथ हम उसमें फैक्टोरियल को ऐड करते जाएंगे आगे की तरफ। ठीक तो आगे हम इसमें कंसोल आउटपुट देंगे, इसमें सम करेंगे, गेट करेक्टर करके अगर ब्रैकेट का आगे हम इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे। ठीक है, रन करो इसे। जी मैम, ये उस शाम को शो कर रहा है। यहाँ पर आपने नंबर कोई नहीं देना था, पहले जो सम ऑफ सीरीज वाला था था 1 प्लस 1 x² 1 प्लस 2 x² उसमें ही नंबर देना था। यहाँ पर नंबर नहीं देना था, सिर्फ सम ऑफ सीरीज हमने शो कर देना था कि हमारी ये सीरीज है, उसका सम ऑटोमेटिकली आ गया। तो ठीक है, आपका सम बिल्कुल ही उसके ऑटोमेटिकली ही सामने आ जाएगा, क्योंकि खुद से उसमें कोई भी चेंजिंग या एंट्रिंग नहीं करनी, सिर्फ प्रोग्राम लिखा हमने सम करने के लिए। अब आपके जो थर्ड वाले पार्टिसिपेंट है, उन्होंने प्रेजेंट नहीं करा, उनका नेट का इशू चल रहा है। जी मैम वो कॉल आई थी अभी मुझे दूसरे सेल पे, वो कह रहे हैं मेरा लाइट बंद हो गई और पैकेज में नहीं था। तो अगर आप कहती हैं तो वो बाद में प्रेजेंट कर देंगे, या अगर कोई वीडियो बना कहती हैं वो कर देंगे आपको। चलो ठीक है, अभी पिछले वाले ग्रुप में सानिया रहती हैं, सानिया रहसत, और बाकी तो आपके ग्रुप मेंबर थे ही नहीं, सिर्फ जी, सिर्फ श्यामा सही नहीं किया था। सही जी मैम, सिर्फ सही अली भी रहते हैं, आप आपके ग्रुप में बता सिर्फ देना सैयद उनको। अलीरज भी रहते हैं, ठीक है। और अब जो तो है ग्रुप मैं नंबर 10, आपकी प्रेजेंटेशन जी है कल, और उसके बाद ये सैयद अलीरज भी और सानिया रहसत, आप दोनों भी कल प्रेजेंट रहिएगा। उसके अलावा ग्रुप नंबर चल 8 ठीक में से है किसी ने मैं। प्रेजेंट नहीं किया, और ग्रुप नंबर 9 में से भी आप तीनों ने इसे प्रेजेंट करना था, जिसमें से अभी सही तरह रहते हैं, ठीक है। ठीक है मैं मैसेज दे दूंगा आपको। और ग्रुप नंबर 10 उसमें है 6 पार्टिसिपेंट है, उनमें भी अली मुर्तजा, अली जैन, दाऊद उमर, मुदस्सिर अहमद और मोहम्मद यासीन, आप लोगों की भी कल प्रेजेंटेशन है, इनको भी जरा मैसेज दे दीजिएगा जो भी इस वक्त क्लास में मौजूद है। मधु अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दो, बेशक शेयरिंग स्टॉप कर दो, और क्लास कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्रेजेंटेशन जिस जिसकी रहती है अपनी तरफ प्रिपेयर कर लेना। सानिया ने क्लास ज्वाइन किया, सानिया आपकी प्रेजेंटेशन कर लूंगी मैं, ठीक है। अल्लाह ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।